हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसेल एग्जाम 2020 के लिए वेल्डिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यह है इस वीडियो का पार्ट टू। पार्ट वन हम ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें वेल्डिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन को हमने डिटेल से डिस्कस किया है, वो भी आप वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, लिंक मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूल इन द केस ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज मेड ऑफ। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में टूल किस मेटेरियल का बना होता है यहाँ पे पूछा गया है, तो ये बना होता है ब्रास और कॉपर का। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के बारे में पहले यहाँ पे समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, पहले तो आपने टूल समझ लिया कि ब्रास और कॉपर का ये बना होता है, लेकिन क्यों ब्रास और कॉपर का बना होता है वो सब भी हम जानते हैं। ये देखिए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को मैंने दिखाया है, यहाँ पे क्या है, ये टूल है जो ब्रास और कॉपर का बना होता है, नीचे वर्कपीस दिया हुआ है। ये सॉफ्ट मेटल का इसलिए बना जाता है कि जिस भी शेप का आपको वर्कपीस में जिस भी शेप को वर्कपीस का बनाना होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टूल को हम उसी शेप में ढाल लेते हैं, तो इसलिए टूल को जो है सॉफ्ट मेटल का बना लेते हैं। ठीक है, तो टूल बना होता है ब्रास और कॉपर का। ये जब टूल वाइब्रेशन करता है, 20 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज के बीच में वाइब्रेशन होती है, और इसके बीच में टूल ये है और ये वर्कपीस है, तो टूल और वर्कपीस के बीच में यहाँ पे एब्रेसिव सलरी डाली जाती है। ठीक है, ये नोजल के द्वारा यहाँ एब्रेसिव सलरी डाली जा रही है। ठीक है, जब ये टूल वाइब्रेशन करता है तो यहाँ पे एब्रेसिव सलरी जो है इस सरफेस पे जाके टच होती है, जहाँ से वो कुछ मेटल को रिमूव करती है, तो यहाँ से मेटल रिमूव होने लगता है वर्कपीस की सरफेस से। ठीक है, जिससे यहाँ पे हाई सरफेस फिनिश और हाई एक्यूरेसी के लिए अल्ट्रासोनिक मशीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और हार्ड मेटेरियल की जो मशीनिंग के लिए मेनली अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एब्रेसिव पार्टिकल के द्वारा यहाँ पे मेटल रिमूव होता है, और ये जो टूल है इसका ये वाइब्रेशन करता है। ठीक है, ये टूल इसका वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन का मैंने बता दिया 20 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज के बीच में यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी इसमें। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्रास और कॉपर का। ठीक है, तो ब्रास और कॉपर का इसलिए सॉफ्ट मेटल का बनाते हैं ताकि वो वर्कपीस की किसी भी जैसे ही वर्कपीस को ढालना है उसी शेप में हमारा टूल आसानी से डाला जा सकता है, जो अगर सॉफ्ट मेटल का बना हुआ है, तो इसलिए ब्रास कॉपर का बनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप जॉइंट वुड बी सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप जॉइंट वुड बी सुटेबल फॉर पाइप्स कैरिंग स्टीम। ठीक है, तो पाइप में स्टीम ले जाने के लिए कौन सा पाइप जॉइंट बेस्ट होता है, तो ये होता है आपका एक्सपेंशन जॉइंट, यहाँ पे बेस्ट होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन जॉइंट जो है ये हीट की वजह से फैलता और सिकुड़ता नहीं है, इसलिए एक्सपेंशन जॉइंट को मेनली यूज़ किया जाता है स्टीम ले जाने के लिए, तो इसका डी ऑप्शन आप का यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टड एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वेल्डिंग। स्टड और प्रोजेक्शन वेल्डिंग किस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो ये है रेजिस्टेंस वेल्डिंग से बिलोंग करते हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, ये देखिए दोनों एग्जाम्पल हैं, ऊपर प्रोजेक्शन वेल्डिंग को दिखाया गया है, नीचे स्पॉट वेल्डिंग को, तो दोनों ही ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है, मेटेरियल को यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, उसके बाद में यहाँ पे दोनों को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे हीट दी जाती है। ठीक है, हीट मिलती है जिस हीट की वजह से ये गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के बाद में इनको प्रेशर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे किसी फिलर मेटल का यूज़ नहीं किया जाता, ओनली प्रेशर के द्वारा ही जोड़ दिया जाता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कुछ एग्जाम्पल भी मैं और बताता हूँ, जैसे कि स्पॉट वेल्डिंग हो गया, ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो गया, उसके बाद स्टड वेल्डिंग हो गया, और एक हो गया सीम वेल्डिंग। तो मेनली ये वेल्डिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं, तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीसी वेल्डिंग द स्टेट पोलरिटी रिजल्ट इज। ठीक है, तो डीसी वेल्डिंग की जो स्टेट पोलरिटी होती है उसका क्या रिजल्ट है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लो डिपोजिशन रेट, लोअर डिपोजिशन रेट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा स्टेट पोलरिटी के लिए। अब मैं यहाँ पे स्टेट पोलरिटी को आपको बताता हूँ, और रिवर्स पोलरिटी को भी हम साथ में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये देखिए स्टेट पोलरिटी में क्या होता है, जब भी हमारे वर्कपीस को पॉजिटिव से पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी और इलेक्ट्रोड को नेगेटिव सप्लाई दी जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टेट पोलरिटी। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट पोलरिटी में क्या होता है। ठीक है, रिवर्स पोलरिटी में वर्कपीस को नेगेटिव से और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक है, अब स्टेट पोलरिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको। स्टेट पोलरिटी में एक तो लो डिपोजिशन रेट होता है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन का है ही आंसर, लोड डिपोजिशन रेट होता है इसमें, और दूसरा इसमें क्या होता है, आर्क फ्लो की
समस्या होती है, आर्क ब्लॉक की समस्या इसमें हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है वो डीप पेनिट्रेशन होता है, मतलब गहराई से पेनिट्रेट करते हैं मटेरियल को, तो डीप पेनिट्रेशन होता है। इसमें स्ट्रेट पॉलिटी का उल्टा होता है रिवर्स पॉलिटी में। ठीक है, जितने मैंने यहाँ पे बताया उसका उल्टा यहाँ पे रिवर्स पॉलिटी में हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो है, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो इन कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज, तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो कितना होता है, तो ये होता है 0.9:1। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोनाइजिंग फ्लेम दिखाई गई है। ठीक है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनर कोन होता है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट रेड कोन होता है, और उसके बाद आउटर ब्लू कोन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे इनर कोन का ही होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पे होता है, वो इनर कोन पर होता है इसके, और ये होता है लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस के आसपास कार्बोनाइजिंग फ्लेम का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो, तीन फ्लेम हमारी होती हैं मेनली। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम, इसके बाद एक हो जाती है न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, न्यूट्रल, और एक हो जाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्रेम में जो ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो होता है वो 1:1 का होता है। ठीक है, 1:1 होता है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है ये 1:1 का। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है 1:1 का रेशो इसमें होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। ठीक है, तो तीन फ्लेमों के रेशो आपको ये याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रल फ्रेम का जो टेम्परेचर है वो 3200 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, कार्बोनाइजिंग का 2900 डिग्री और न्यूट्रल फ्रेम का 3200 डिग्री, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का बात करें तो ये 3300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अंडर फिलिंग इन वेल्ड जॉइंट इज ड्यू टू, तो अंडर फिलिंग किसकी वजह से होता है, ये होता है इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट। ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं कैसे होता है अंडर फिलिंग। यहाँ पे वेल्ड को जो वेल्ड मटेरियल है वो ठीक प्रकार से पूरा नहीं फिल हुआ है, इसलिए यहाँ पे अंडर फिल की समस्या हो जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ वेल्ड जॉइंट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्मेट वेल्डिंग एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है, तो थर्मेट वेल्डिंग में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड को किस रेशो में यहाँ पे मिक्स्ड करते हैं, तो ये मैं बताता हूँ पहले आपको थर्मेट वेल्डिंग के बारे में। यहाँ पे दो मेटल यूज़ किए जाते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम और एक होता है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, दोनों को आप इस तरह के नीचे देखिए पिक में, इस तरह क्रूसिबल में यहाँ पे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद में जहाँ पे जोड़ बनाना होता है वहाँ पे इसे डाल दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डाल दिया जाता है, ये एक रेल की पटरी को जोड़ते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे क्रूसिबल में गर्म करने के बाद में इसको यहाँ पे जोड़ पर डाल दिया जाता है, ठंडा होने के बाद में ये वहाँ पर एक अच्छा जोड़ बन जाता है। ठीक है, तो इस जोड़ का प्रयोग जो रेल की पटरी और बाहरी पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि यहाँ पे जो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड लिया गया है वो किस रेशो में लिया जाता है, तो ये लिया जाता है 1:3 के अनुपात में, मतलब 1 भाग एल्यूमिनियम का होगा और 3 भाग जो है यहाँ पे आयरन ऑक्साइड के हो जाएंगे, तो 1:3 का अनुपात यहाँ पे लिया जाता है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग, ठीक है, तो कौन सी फ्यूल गैस गैस वेल्डिंग में यूज होती है, तो यहाँ पे हमारी दो गैस जो यूज होती है, एक होती है एसिटिलीन और एक होती है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एथीन है, ठीक है, एथाइन जो है, जो एसिटिलीन का आई यू पी ए सी नेम जो है, ये एसिटिलीन का आई यू पी ए सी नेम है एसिटिलीन का, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये एसिटिलीन को बोल रहा है यहाँ पे, फ्यूल गैस जो है हमारी वो इथाइन होगी यहाँ पे। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेल्डिंग में हमारी जो है, जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें वहाँ पे दो गैस यूज़ की जाती है, एक होती है एसिटिलीन गैस और एक होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इन दोनों गैस को ही हम सिलेंडर में फिल करके रखते हैं। सिलेंडर का मैंने कलर बता चुका है, ऑक्सीजन गैस को यहाँ पे ब्लैक कलर के सिलेंडर में रखते हैं और एसिटिलीन गैस को मैरून कलर के सिलेंडर में फिल करके रखते हैं। एसिटिलीन का प्रेशर 15 बार और ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो 135 बार सिलेंडर के अंदर होता है। ठीक है, इन दोनों गैसों के द्वारा यहाँ पे फ्लेम बनाया जाता है, और ये हमारी यहाँ पे इन दोनों गैसों के द्वारा ही तीन फ्लेम बनती हैं। ठीक है,
एक बनती है न्यूट्रल फ्लेम, दूसरी बनती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और तीसरी बनती है कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, तीन फ्लेम यहाँ पे बनती हैं, तीनों फ्लेम को याद रखना है। और जो हमारे जो गैस हैं वो एसिटिलीन और ऑक्सीजन यूज होती हैं। एसिटिलीन का IUPAC नेम ही यहाँ पे इथाइन है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो मैं यहाँ पे सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को याद करने की एक आपको ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तो जब भी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात आती है तो आपको याद रखना है HDFC। HDFC का मतलब होता है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में, H मतलब हॉट फोर्ज वेल्डिंग, D मतलब डिफ्यूजन वेल्डिंग, F मतलब फ्रक्शन वेल्डिंग, और C मतलब कोल्ड वेल्डिंग। ठीक है, ये सारे आपको याद रखने हैं, ये सभी सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं HDFC। ठीक है, हॉट फोर्ज, डिफ्यूजन, फ्रक्शन और कोल्ड वेल्डिंग, ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के सभी एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है, तो यहाँ पे जो फोर्ज वेल्डिंग है वो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग द प्रेशर इज रिलीज्ड। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में प्रेशर कब रिलीज करते हैं? ठीक है, तो पहले मैं आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में बताता हूँ, फिर आप खुद से ही इसे सॉल्व कर लेंगे। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होता है, जब दो मेटल, यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग का एग्जांपल देखिए, ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही होता है स्पॉट वेल्डिंग। तो यहाँ पे दो प्लेट रखी गई है मेटल की, और इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड से इसमें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया जाता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस होता है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये दोनों मेटल गर्म हो जाते हैं, और गर्म होने के साथ ही इनको यहाँ पे इसी इलेक्ट्रोड के द्वारा यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, जिस प्रेशर के द्वारा ये वेल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन, जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो प्रेशर रिलीज किया जाता है वो ड्यूरिंग हीटिंग पीरियड, जब इसको हीट करता है ना, उसी टाइम पे यहाँ पे प्रेशर दिया जाता है इलेक्ट्रोड के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके जो स्पॉट वेल्डिंग है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग, ये सभी रेजिस्टेंस वेल्डिंग के एग्जाम्पल हैं, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज अ पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज। तो मोल्टन मेटल का पुल किस वेल्डिंग में यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स ऐसे पड़ा होता है, ये वेल्डिंग सरफेस है जहाँ पे वेल्ड करनी है, और इसके ऊपर ऐसे फ्लक्स इतनी लेयर तक ऊपर काफ़ी बिखरा होता है जो वर्क पीस की सरफेस पर। तो फ्लक्स के अंदर डूब कर यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वेल्डिंग करता है, इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। बेयर इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, बेयर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे फ्लक्स के अंदर ये डूब कर ही वेल्डिंग करता है। तो पूल ऑफ मोल्टन मेटल यूज करते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ। आर्क हीटिंग में इलेक्ट्रोड बने होते हैं कॉपर के, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनली यूज्ड फ्लेम इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में कॉमनली कौन सी फ्लेम यूज़ करते हैं? वो करते हैं हम न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, तो न्यूट्रल फ्लेम के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसका टेम्परेचर भी देख सकते हैं 3100 से 3200 डिग्री के आसपास होता है। यहाँ पे 3100 से 3200 डिग्री के आसपास होता है न्यूट्रल फ्लेम, और इसी को मेनली गैस वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लेम बनती है दो गैस से मिलकर, एसिटिलीन और ऑक्सीजन से मिलकर ये फ्लेम बनती है, जिसमें एसिटिलीन जो है मेहरून कलर के सिलेंडर में भरी जाती है, और ऑक्सीजन जो ब्लैक कलर के सिलेंडर में भरी जाती है। तो इसके बारे में मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग मोल्टन मेटल इज पोर फॉर ज्वाइनिंग द मेटल। तो मेटल को ज्वाइन करने के लिए कौन से वेल्डिंग में मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है, मतलब उढ़ेला जाता है? तो ऐसा वेल्डिंग जो मैंने बताया था आपको, थर्मिट वेल्डिंग है। इसमें क्या है, क्रूसिबल में गर्म करते हैं मेटेरियल को, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को गर्म करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जोड़े जाने वाले स्थान पर उसे डाल देते हैं, जिससे वह ठंडा करने पर यहाँ पे जोड़ बन जाता है। इसे यहाँ पे रेल की पटरी या फिर भारी पाइपों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है रेल की पटरी को जोड़ते हुए। ठीक है, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है थर्मिट वेल्डिंग से, यहाँ पे एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड जो इस क्रूसिबल में गर्म किया जाता है, उस मिक्सर का जो रेशो है वो मेनली पूछा जाता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का जो रेशो होता है वो 1:3 होता है। ठीक है, 1:3 होता है, वो आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग रेल एंड हैवी पाइप।
ठीक है। तो रेल और हैवी पाइप को जोड़ने के लिए मैंने बताया थर्मिट वेल्डिंग यूज़ करते हैं, और थर्मिट वेल्डिंग के बारे में मैं आपको डिटेल से बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैस वेल्डिंग मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स एट, ठीक है। तो मैंने बताया मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर जो है कोई सी भी फ्लेम हो उसके इनर कोन पर ही मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, तो ये इनर कोन वाला इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्लेम के बारे में बता चुका हूँ, तीन टाइप की फ्लेम होती है, न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोनाइजिंग फ्लेम। इनके रेशो भी मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो लगभग 5500 डिग्री के आसपास यहाँ पे जनरेट होता है आर्क वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंगल वी बट वेल्ड द एंगल बिटवीन एज इज कैप्ट अबाउट, ठीक है। तो सिंगल वी बट वेल्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एंगल कितना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको पिक में देख सकते हैं 60 डिग्री दिया गया है, लेकिन ये जो आपको आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 70 से 90 डिग्री के आसपास आपको लगाना है, ठीक है। अगर यहाँ पे 60 से 80 होता तो भी वो सही होता वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा वेरी कर सकता है, 70 से 90 दिया गया है, तो ये इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टोर्शन इन वेल्डिंग अकर्स ड्यू टू, ठीक है। तो डिस्टोर्शन वेल्डिंग में किसकी वजह से होता है, तो ये होता है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इम्प्रॉपर वेल्डिंग मेथड, ठीक है। जो वेल्डिंग मेथड हमारा ठीक प्रकार से नहीं होता है उसकी वजह से वेल्डिंग में हमारे डिस्टोर्शन हो जाते हैं, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, जैसे वेल्डिंग का नीचे दिखाया गया है इस तरह से ये हो जाता है, तो इसे बोलते हैं डिस्टोर्शन, और ये इम्प्रॉपर वेल्डिंग मेथड की वजह से होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेल्ड स्पेटर इज, तो वेल्ड स्पेटर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। वेल्ड स्पेटर होता है, इसमें क्या होता है, जब वेल्डिंग करते समय हमारी फिलर मेटल की छोटी छोटी गोलियों के रूप में जो फिलर मेटल है वो वेल्डिंग बीड के आसपास जम जाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि ये छोटी छोटी गोलियों के रूप में नीचे छोटी छोटी गोलियों के रूप में इधर उधर वेल्डिंग के बीड के आसपास जम गया है फिलर मेटल, तो इसे ही बोलते हैं हम स्पैटरिंग, ठीक है, इसे स्पैटरिंग बोलते हैं। तो ये एक वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, यहाँ पे मिस हो गया, ये वेल्डिंग है, वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वेल्डिंग डिफेक्ट है ये। मेनली स्पैटरिंग जो होता है ये होता है जब हाई वोल्टेज और हाई करंट होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये वेल्डिंग स्पैटरिंग होता है, ठीक है। हाई वोल्टेज और हाई करंट प्लस हमारी आर्क की लंबाई भी ज़्यादा होती है उस टाइम पर ये वेल्ड स्पैटरिंग होता है, और इससे हमारी वेल्डिंग रोड की खपत भी बढ़ जाती है, तो ये एक प्रकार का वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन वेल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू।